गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हो? ये मेरे हबी बनाए थे कुछ पत्तेदार सब्जी, पखाड़ा और रायता में बनाए हूँ अभी आके। ढेर सारा मिर्ची देखे, और इतना गर्मी थी ये राइस की मैं थाली में परोस रही हूँ। एक्चुअली इसको कटोरी में लेते हैं तो दो भी बच चुका है, पेशेंस नहीं है। और ये स्प्राउट बनाऊंगी, मूंग दाल को 6-7 घंटे भिगोई हूँ और कॉटन टावल में ऐसे बांध के रख दूंगी। कल सुबह ये स्प्राउट हो जाएगा मूंग का। और रेस्ट कर रही हूँ अभी। एक्चुअली आज का रूटीन ठीक था, मैं हॉर्लिक्स पी के गई थी और 1 बजे तक कुछ नहीं खाई हूँ। बीच में ली थी चना का चाट थोड़ा, और यही है यार, कुछ करूं बोलने से नहीं होता है। मतलब सोची थी डाइट फाइट करूंगी लेकिन उल्टा सीधा हो जाता है। अभी रेस्ट करूंगी, नहीं होता है, घर में होती तो हो जाता सब कुछ। और ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, सनसेट हो रहा है, अच्छा लगा तो मैं थोड़ा क्लिप कैप्चर कर लूं सोची। और घर आ चुकी हूँ अभी, और कल से मेरी अलग ड्यूटी रूटीन होगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब मेरे यही रूटीन 6-7 मंथ से चल रहा था, 1 ईयर भी होने वाला था लगभग। तो नहीं होते हैं क्या दुनिया में, हम सबको खुश नहीं कर सकते, उस टाइप का हुआ है। कुछ कुछ लोग बोले कि हमारे स्टाफ के सेम ड्यूटी सेम रूटीन, ये सब क्या चल रहा है। तो मैं बोले कि चलो अलग अलग कर लेते हैं, तो कल से अलग ही होगा मेरा सब रूटीन। और प्यास लग रही है बहुत, 5 बजे से, जो 5 बजे से मैं गई थी तो पानी भी नहीं पी थी वहाँ, इतना बिजी थी। तो थोड़ा फ्रिज खोल के देख लूँ। ओ निकल जा सिम सिम। और ये थोड़ा, इतना प्यास लग रही है मुझे, तो आइस क्यूब डाल के पीऊँगी। बोतल का पूरा आइस हो गया है, 10 मिनट नहीं होने से नहीं होगा। तो गुस्सा, मतलब इरिटेड टाइप का लग रहा है यार। 8 बजे गई थी, 1 बजे आई, खाते खाते थोड़ा सोई थी कि नहीं फिर गई, और किचन ऐसा पड़ा है गंदा, क्लीन करूँगी और इसको निकालूँगी अभी। और पानी थोड़ा पी लेती हूँ, प्यास बहुत लगी है, तो नॉर्मल पानी थोड़ा एक्वागार्ड से निकालूंगी और इसको ट्राई करूंगी। पेशेंस भी नहीं है, प्यास भी लगी है और आगे भी बहुत काम है, और 9:30 हो चुका है, तो इसको निकालूंगी। और लेमन वाटर अभी ले नहीं सकती, रात को क्या लेना। और इरिटेट लगता है 9:30 में आओ और ये सब देखो, किचन पड़ा हो, पानी नहीं हो पीने के लिए, इरिटेट टाइप का लगता है कभी कभी। कैसे निकालते हैं इसको यारो, बताओ मेरे को। पास होकर भी थी दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी। ओह माय गॉड, इसके चक्कर में मैं प्यासे मर जाऊंगा बेबो। नहीं हो रहा है, क्या करें इसका गोलू, खाली पानी पी लेते हैं। बाहर में जाए आइस क्यूब, बाहर में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। और यही डायलॉग बोल दी, गुस्सा लगा मेरे को। क्लीन कर ली सारे बर्तन, और ये परवल आलू प्याज टमाटर ली हूँ, मिक्स सब्जी बनाऊंगी, चना ली हूँ, और प्रेशर कुकर में बनाया हूँ, राइस चढ़ा दी हूँ। और ऐसे में क्या डाइट फॉलो हुई यार, कोई स्पेशल होता, महारानी की तरह बैठी होती तो डाइट फॉलो होता है, ये कहाँ होगा। खुद कमाओ, खुद काम करके खाओ, ये वाला सिस्टम है, कहाँ का डाइट, कहाँ का फैट ले। और ये हो गया मेरा सब्जी।
और गुस्सा में किसी ऊपर नहीं निकालती हूँ, गाना चलाती हूँ फुल साउंड में और एंजॉय करती हूँ। और कौन है जो गुस्सा मेरा सुनेगा, अकेली हूँ मैं गुस्सा होती हूँ और मैं खुद ही कंट्रोल करती हूँ, कोई नहीं है गुस्सा होने वाला भी। तो ये ऑयल बनाई थी, थोड़ा मसाज करूँगा क्योंकि सिर गर्म हो चुका है और बाहर बैठूँगी और ऑयल थोड़ा मसाज करूँगी। कल से मेरी ड्यूटी सब कुछ रूटीन अलग होगी और अच्छा है। जो जो कुछ भी लाइफ में इंसिडेंट होता है शायद अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये सोचती हूँ। मेरी बुरी हालात अच्छी हालात सबको सोचती हूँ कि अच्छे के लिए हुआ है मेरी, तो चलो ये भी अच्छे के लिए हुआ है, एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और ये हो गया मेरा सब्जी, चना सब्जी, प्याज, हरी मिर्च, अचार, राइस दोनों खाएंगे मिल के बाहर। और क्या करें यार, ऐसा हो जाता है खाते खाते, देखो 10 बज गया, इसमें वेट गेन नहीं होगा तो लॉस होगा क्या। और अभी मैं ले रहे हूँ खाना वगैरह, टेबल वगैरह लूँगी, खाना खाएंगे, सोते सोते तो 12 बज जाता है। और बीपी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा चक्कर हो रहा है। और यही थी मेरी आज की रूटीन, कुछ खास नहीं थी, दिन भर हवी वाला ड्यूटी था। और आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी आज का रूटीन अच्छी लगी होगी। और एक बात यार, मेरा यूट्यूब चैनल 17 तारीख को मैं खोली थी और 17 तारीख नहीं हुआ है लेकिन 35 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।